जब F1 पीडी के बाद तो अब अपन नया टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, आज अपना परीक्षण संकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षण संकरण, किसे कहते हैं और इसका जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप लिखो। सीधा सवाल पूछा बोलता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर, कोई भी कॉम्पिटिशन के अंदर टेस्ट क्रॉस है उसका जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप लिखो। तो अपन सबसे पहले परीक्षण संकरण की परिभाषा बताते हैं। जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। तो परीक्षण संकरण की परिभाषा आपको बतानी है, क्या है परीक्षण संकरण। जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, वहां अपन ने प्रभावी जनक लिया था संकर पूर्वज में, यहां अपन ले रहे हैं अप्रभावी। ये आपको याद रखना है, जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है उसके पादपों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके साथ क्रॉस करवाया है? अप्रभावी जनक के साथ, उसको कहते हैं परीक्षण संकरण। अब अपन ने जो जनक चयन किया है वो जनक शुद्ध है या अशुद्ध है उसका पता करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। जनक की शुद्धता की जांच के लिए परीक्षण संकरण किया जाता है। जनक की शुद्धता की जांच के लिए परीक्षण संकरण का उपयोग किया जाता है। आपने लिया ये F1 पीढ़ी का पादप अशुद्ध लंबा, यह F1 पीढ़ी का पादप है जो अशुद्ध लंबा है, ये क्या करेंगे इसका अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाएंगे। ये अप्रभावी जनक है शुद्ध बोना, अप्रभावी जनक इसका नाम है शुद्ध बोना पादप और यह F1 पीढ़ी के पादप का क्रॉस आप किसके साथ करवाते हो? अप्रभावी जनक के साथ। किसके साथ करवाएंगे? स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे दो तरह के युग्मक बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे एक ही तरह का युग्मक बना स्मॉल टी। कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ गुणा करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ गुणा करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ गुणा करेंगे स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ गुणा करेंगे स्मॉल टी आएगा। तो ये है लंबा, ये है बोना और ये है बोना। तो आप देखोगे इसका लक्षण प्रारूप आएगा 1:1। आधे पौधे लंबे हैं और आधे पौधे बोने हैं। आधे पौधे क्या है? लंबे हैं और आधे पौधे क्या है? बोने हैं। और इसका जीनी प्रारूप आएगा 1:1। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? आधे। और स्मॉल टी वाले कितने हैं? आधे हैं। तो जैसे आपसे पूछा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परीक्षण संकरण का जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या होता है। परीक्षण संकरण का जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप होता है 1:1। कोई कॉम्पिटिशन हो आप उसमें देख लो, ये सवाल सीधा दिया होता है कि परीक्षण संकरण का जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या होता है, तो 1:1 होता है। ये आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। आप लोग इस वीडियो को देखो और बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। तो आपने सबसे पहले परीक्षण संकरण की परिभाषा बताई है कि जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है उसको कहते हैं परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण किसे कहते हैं? जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। ये जनक की शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। इसका मैं तो बताओ तो आपको बताना है जनक शुद्ध है या जनक विषम युग्मनजी है या जनक अशुद्ध है, उसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। F1 पीढ़ी के पादप का संकरण आपने किसके साथ करवाया है? अप्रभावी जनक के साथ करवाया है। ये F1 पीढ़ी का पादप है आपने लिया और ये क्या लिया? अप्रभावी जनक लिया। इनके बीच में क्रॉस कराया, ये F2 पीढ़ी प्राप्त हुई है। कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई है? F2 पीढ़ी। ये क्या है? F2 पीढ़ी है।
इसका जैविक प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या आया है, 1:1 आया है।